क्या मतलब है इसका इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट सपोज वी हैव टू कंटेनर्स कंटेनर कंटेनर एंड दिस ऑन अ मशीन क्या है ये वेइंग मशीन है एंड अ वेट इज सस्पेंडेड इन वायर स्प्रिंग बैलेंस एक वेट है जिसको स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हमने पानी के ऊपर रख रखा है और यहां से एक पाइप दे रखा है कि पानी इसमें गिरेगा वेंग मशीन के ऊपर जो कंटेनर है उसमें और पाइप से जस्ट नीचे तक पानी भर दिया अब बताओ यार यहां तक भर दूंगा तो पानी तो पहले ही चला जाएगा तो एरर आ सकती है ना इसलिए वो एरर ना आए इसलिए हमने एक कंटेनर तो खाली रखा और यहां पे ब्लॉक रखा ऊपर और पानी जस्ट पाइप तक पहुंच रहा है तो व्हाट विल द ब्लॉक इन वाटर नाउ सपोज अभी स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग हो रही है शो सेवन के ठीक है सेवन के अभी स्प्रिंग बैलेंस पे वो क्या बोलते हैं रीडिंग्स शो हो रही है बॉडी इन वॉटर उसको पानी में डाल दिया तो स्प्रिंग बैलेंस पे अब रीडिंग शो होने लगी सिक्स के ये एक के जी कहां गया वेर इज दिस वन के जी ये वन के जी चला गया पानी के अंदर अब एक पॉइंट आएगा ना जब ये पानी के अंदर जाने लगेगा तो वन के जी चला गया पानी के अंदर और पानी हल्का सा ऊपर आके यहां से बाहर आया और यहां गिरा और वेइंग मशीन पे वे वन के जी समझे अब यहां आने लगा वन के जी तो वन के जी जो वेट यहां गया तो वो वेट क्या होता है एम जी होता है मास इन टू ग्रेविटी और मास क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड पर अगर यहाँ स्प्रिंग बैलेंस पे कम हुआ है तो वो क्यों हुआ है क्योंकि इसके पानी में जाते ही पानी ने इस क्या लगाया बाइंड फोर्स तो हल्का सा इमर्स हुआ पानी में लेकिन बाइंड फोर्स की वजह से इसका ऊपर का वेट कम हो गया वेट की रीडिंग कम हो गई ड्यू टू द बाइंड बाइंड फोर्स फोर्स दू तो बाएंट force, बाएंट force लगा और रीडिंग्स कम हो गई बट जब ये नीचे गया तो पानी का लेवल हल्का सा ऊपर आएगा ना और ऊपर आते ही क्या होगा वो इधर फ्लो करेगा और इधर फ्लो करते इस कंटेनर में आएगा इस कंटेनर में वाटर का वेट आ जाएगा वन के जी तो वन के जी कहाँ है वन के जी है तो अभी भी वही है तो वही इसी सिस्टम में है अभी भी इसी सिस्टम में है ना वन के जी तो अभी भी बाइंड फोर्स की वजह से एक के जी कम हो गया स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग बट वो एक के जी किधर है इधर है वाटर डिस्प्लेस हो गया तो अभी बॉडी का वेट पानी में कितना हुआ है एक के जी बॉडी गई है पानी में और पानी इधर डिस्प्लेस हो गया समझ में आए तो ऐसे ही मान लो और अंदर तक जाते हैं और स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग शो हो जाती है टू के जी तो मेरा इनिशियल वेट का रीडिंग कितना था सेवन के जी है ना अब थर्ड केस ले रहे हैं तो अब वेट रह जाता बॉडी का टू के जी तो इट मींस दैट लॉस इन वेट कितना हुआ सेवन माइनस टू इज इक्वल टू फाइव के जी तो वेट किधर होना चाहिए भाई तो पानी में अभी बॉडी का वेट कितना होना चाहिए बैंड फोर्स की वजह से पानी में बॉडी का वेट कितना है फाइव के जी तो फाइव के जी डिस्प्लेस होना चाहिए तो यस जब वो वाटर इधर आ जाएगा तो ये रीडिंग हो जाएंगी फाइव के जी तो ये है हल्की सी एक्सपेरिमेंट जो हमें बताती है कि प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है क्या हो रहा है जैसे जैसे मैं बॉडी को पानी में इमर्स करता जा रहा हूं स्प्रिंग बैलेंस उसका वेट कम दिखा रहा है टू द वेट भी क्या है एक फोर्स है न्यूटन्स में और बाइंड फोर्स लग रहा है तो दो बाइंड फोर्स वेट को हल्का सा कैंसिल करेगा लेकिन जितना कैंसिल करेगा वो मास जो है वो इधर तक तो पहुंचेगा पानी डिस्प्लेस होगा पानी का लेवल राइज करेगा ना बट राइज होके कहीं नहीं जाएगा वो इधर फ्लो करेगा और हमें इधर रीडिंग मिल जाएगी सॉलिड जितना वेट लॉस करेगा पानी इधर उतना ही वेट दे देगा समझ में आई चलो आगे देखते हैं यार अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमारे पास कुछ कंक्लूजन आते हैं पहला आता है भाई कंक्लूजन आते हैं पहला कंक्लूजन आता है दैट द बाइंड फोर्स बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस यानी कि जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हो पाया है बाइंड फोर्स ने उतना ज्यादा काम किया है ये तो अभी अभी हमने देख लिया यार जब पार्शली इमर्स था बाइंड फोर्स ने कम काम किया तो कम वाटर डिस्प्लेस होगा वन के और जब और फर्दर इमर्स किया तो ज्यादा बाइंड फोर्स एक्ट करेगा और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वो वाटर तो डिस्प्लेस होएगा ना डेंसिटी क्या होती है मास इनटू वॉल्यूम या मास अब हम अगर मैं मास की ही बात करूं तो सॉरी 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 वो तो उल्टा होता है मास इज इक्वल टू तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ये होता है ना तो जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा यानी कि उसका मास उतना ज्यादा है तो यहां पे बाइंड फोर्स और किस तरह से काम हो गया कि मास पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना फिर अगर ऐसा है तो यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए ऑब्वियसली बात है यार होना चाहिए होना चाहिए ना अब देखो बट अगर मैं डिफरेंट मेटीरियल के डिफरेंट बॉडीज लूंगा जिनका वॉल्यूम में सेम रखता हूं है ना तो अगर वो डिफरेंट मेटेरियल की डिफरेंट बॉडीज के वॉल्यूम में सेम रखता हूं देन देन बाइंड फोर्स सेम एक्ट करेगा बाइंड फोर्स सेम एक्ट करेगा बट मास डिफरेंट है तो चीजें डिफरेंट आएंगी आएंगी सही पर यहां पे हमारे पास क्या बाइंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यानी कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा बॉडी का बाइंड फोर्स भी उतना ही ज्यादा एक्ट करेगा और अगर वॉल्यूम बराबर है बॉडीज का तो बाइंड फोर्स भी बराबर एक्ट करेगा समझ में आई बात चलो आगे देखते हैं अब यहां से ही देखो वॉल्यूम के साथ इधर क्या है डेंसिटी तो बाइंड फोर्स क्या हो गया डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए लॉजिकली सोचो 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 सोच के देखो अगर डेंसिटी कम हो गई और वॉल्यूम बराबर उतना ही रहा दो बॉडीज का है ना तो भी अमाउंट ऑफ वाटर कम डिस्प्लेस होगा ना तभी तो डेंसिटी की वजह से ही तो डेंसिटी वुड की कम होती है और उसी वॉल्यूम का अगर मैं आयरन लेता हूं तो आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है तो अगर मैंने मान लो वन मीटर क्यूब का वुडन ब्लॉक लिया और वन मीटर क्यूब का आयरन ब्लॉक लिया आयरन ब्लॉक वन मीटर क्यूब एंड वुडन ब्लॉक वन मीटर क्यूब के वॉल्यूम के लिए बट यू विल सी दैट वॉल्यूम वुडन ब्लॉक विल फ्लोट दैट्स वाई बोट्स एंड एक्सेट्रा एंड शिप्स आर मेड ऑफ वुड सो दैट दे वुड फ्लोट ऑन वॉटर वाई बिकॉज डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना बाइंड फोर्स समझ में आई हो जितनी कम डेंसिटी उतना कम बाइंड फोर्स तो कम डेंसिटी होगी तब बॉडी क्या कर पाएगी फ्लोट कर पाएगी क्योंकि बाइंड फोर्स उस पर कम लगेगा बट यहां पर जो बात हो रही है ना डेंसिटी की वो बॉडी की डेंसिटी की बात नहीं हो रही है वो लिक्विड की डेंसिटी की बात हो रही है और वाटर की डेंसिटी होती है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट फोर डिग्री सेल्सियस और फिर बाकी जो बातें होती है ना वो रिलेटिव डेंसिटी में होती है तो रिलेटिव डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंड फोर्स यानी कि रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपना बाइंड फोर्स लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी ब्लॉक की डेंसिटी तो इट विल फ्लोट बट इफ लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो गई तो इट विल सिंक तो डेंसिटी प्रशन हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना चलो बट बाइंड फोर्स यहां पे क्या किस पे डिपेंड कर रहा है है डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड पे अब वो liquid कुछ भी हो सकता वाटर ऑयल पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा बाइंड फोर्स दे पाएगा और 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 ऑयल वाटर से हल्का होता है पता है ना ऑयल इज लाइटर देन वाटर बिकॉज अगर मैं ऑयल को वाटर के अंदर डालूं तो दे मिक्स तो नहीं होंगे बट ऑयल ऊपर तैरेगा बिकॉज ऑयल की डेंसिटी कम है तो लेकिन तो फिर क्या होगा ऑयल का बाइंड फोर्स कम होगा वाटर से समझे तो यानी कि लिक्विड की डेंसिटी जितना ज्यादा होगी उसका बाइंड फोर्स उतना ज्यादा होगा समझे चलो आगे और देखते हैं ड फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब एक्सीन ड्यू टू ग्रेविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना बाइंड फोर्स समझ में आई बात है ना अब यहां से मेरे पास क्या आ गया यहां भी लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां पे लिक्विड कुछ भी हो सकता है वाटर वगैरह 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा और यहाँ भी लिक्विड और जी तो सबका सेम रहेगा भाई तो बाइंड फोर्स को मैं कैसे बता सकता हूं हूं कैसे बता सकता हूं? P, rho, G. और मुझे पता है मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो बाइंड फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड की बात हो रही है यहां पे तो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे पास क्या आ जाता है बाइंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी है ना अब यहां पे तो हो गई भाई बायोसी की बात अब सिंस मैंने एक बात बोल दी है कि ब्लॉक के वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता बट लिक्विड के वॉल्यूम से पड़ता है तो यानी कि यानी कि अगर मैं वन मीटर क्यूब के तीन ब्लॉक्स लेता हूं अलग अलग मटेरियल के वुड आयरन और एल्यूमिनियम तीन तरह के ब्लॉक्स लिए मैंने वुड, आयरन और एल्यूमिनियम और वुड, आयरन और एल्यूमिनियम के तीन ब्लॉक्स लिए और इनका वॉल्यूम सेम है सबका वन मीटर क्यूब वन मीटर क्यूब वन मीटर क्यूब बाइंड तो फोर्स इनके लिए सेम रहेगा बिकॉज ऑफ द सेम वॉल्यूम समझ में आई वॉल्यूम तो वो उतना डिस्प्लेस कर पाएंगे ना ना जितना उनका वॉल्यूम है है वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर पाएंगे जितना उनका वॉल्यूम है तो अपने वॉल्यूम के बराबर तो बाइंड फोर्स तो भी बराबर लगेगा बिकॉज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस पे काम करता है भाई अपने से ज्यादा वॉल्यूम कैसे ही डिस्प्लेस कर पाएंगे बताओ यार है अगर मैं उस पर एक मानो अगर दो लीटर पानी में एक लीटर पानी डालूंगा तो तीन लीटर ही होगा चार लीटर थोड़े हो जाएगा उसी तरह से उसी तरह से अगर मैं वन मीटर क्यूब में वन मीटर क्यूब ऑफ वाटर में पॉइंट फाइव मीटर क्यूब का ब्लॉक डाल देता हूं तो वो पॉइंट फाइव मीटर क्यूब ही तो डिस्प्लेस कर पाएगा उससे ज्यादा डिस्प्लेस कर पाएगा क्या नहीं ना तो वही बात है कि बॉडीज का अगर वॉल्यूम सेम है तो दे विल एक्सपीरियंस सेम बाय एंड फोर्स इन द सेम लिक्विड समझ में आई चलो आगे देखते हैं अभी यार इतना कुछ पढ़ लिया हमने आर्कमेडिस प्रिंसिपल के बारे में तो कुछ तो काम आता होगा इसका आर्कमेडिस प्रिंसिपल का कुछ तो काम आता होगा तो yes, यस काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम है नाव इसकी वजह से तैर रही है इसकी वजह से तैर रही है तो यूज क्या है बेसिकली आर्कोमेडिक्स प्रिंसिपल का आर्कोमेडिक्स प्रिंसिपल इज यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी क्या है भाई बताओ यार डेंसिटी तो तुम्हें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम और रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वॉटर एट फोर डिग्री सेल्सियस यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वॉटर एट विद रिस्पेक्ट टू वॉटर एट फोर डिग्री सेल्सियस क्या है रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वॉटर एट फोर डिग्री सेल्सियस इज द रिलेटिव डेंसिटी तो मतलब क्या हो गया फॉर सॉलिड्स भी सेम होना चाहिए सॉलिड्स के लिए सॉलिड्स के लिए बताओ भाई बोलो बोलो सॉलिड्स के लिए देखो तो मतलब यार रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो यानी कि रिलेटिव डेंसिटी फॉर रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड्स डेंसिटी रिलेटिव फॉर सॉलिड्स तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है डेंसिटी मुझे पता है क्या होती है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम तो मास ऑफ सॉलिड और सब्सटेंस इनटू अपॉन सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यही होगा फिर मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉटर और आर्गमेडिस प्रिंसिपल से क्या होगा वॉल्यूम तो बराबर डिस्प्लेस होगा भाई अगर ये इमर्श हो रहे हैं तो यानी कि वॉल्यूम तो सेम आ जाएगा तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ एच टू इंटू वॉल्यूम ऑफ एच टू ओ और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बट आर्गमेडिस प्रिंसिपल ने क्या बोला अकॉर्डिंग टू एकेटिक्स प्रिंसिपल वॉल्यूम इज वॉल्यूम इज इक्वली डिस जो बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही फ्लुइड होगा उतना ही लिक्विड होगा तो यहाँ पे दोनों तो हो जाते हैं फिर कैंसिल तो क्या आ गया रिलेटिव डेंसिटी कैसे दे सकता हूं भाई एम एच टू अपॉन मास मास सॉलिड अपॉन मास ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड समझ में आई वॉटर का वजन निकाल लो लिक्विड का वजन तुमने सॉलिड का वजन कितना डाला था वो देख लो आया समझ में तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड मिल जाएगी तुम्हें यही होगा तो यहाँ क्या है देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर और इक्वल वॉल्यूम के लिए बात करूं इक्वल वॉल्यूम्स के लिए बात करूंगा तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ वाटर क्योंकि वॉल्यूम्स इक्वल लूंगा ना दोनों के डेंसिटी निकालने के लिए सेम वॉल्यूम पे बात करनी पड़ेगी ना ऐसे थोड़े लूंगा कि वाटर का वॉल्यूम ले, ले लिया दो किलो सॉरी टू मीटर क्यूब सॉलिड का ले लिया वन मीटर क्यूब ऐसे थोड़े लूंगा दोनों का वॉल्यूम भी तो सेम लेना पड़ेगा फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ वॉटर तो मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ वॉटर एट इक्वल वॉल्यूम्स इक्वल वॉल्यूम्स ले रहा हूं इसीलिए इन दोनों को कैंसिल करके वन लिख सकते हैं तो इसी तरह से ये आ गया सिमिलरली सिमिलरली फॉर लिक्विड्स लिक्विड्स के लिए भी ये चीज सेम रहेगी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस और कुल मिला के फिर भी और फिर फिर से इक्वल वॉल्यूम्स पे बात करेंगे और इक्वल वॉल्यूम्स पे बात करेंगे तो फिर से मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ वाटर एट मास ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो देखो कंसेप्ट तो सेम ही है कंसेप्ट में थोड़ा कोई बदलाव आएगा लिक्विड के लिए लिक्विड ले, ले, ले लेंगे भाई और वॉटर एट फोर डिग्री सेल्सियस फॉर इक्वल वॉल्यूम्स कुल मिला के मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वॉटर फॉर इक्वल वॉल्यूम्स आ जाएगा आ जाएगा तो ये चीज समझ में आ गई अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले भी हैं ठीक है थीके? बट इससे पहले एक चीज देखो रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी यानी कि ये क्या है डेंसिटी किस यूनिट में आती है भाई वॉल्यूम सॉरी मास पर मीटर क्यू मास पर यूनिट वॉल्यूम तो यानी कि मास का केजी वॉल्यूम का पर मीटर क्यूब और इधर भी ये क्या है तो यूनिट्स कैंसिल हो गई तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ गई इसकी डायमेंशन क्या हुई यूनिट्स क्या हुई यूनिट्स हुई डायमेंशन लेस या यूनिट लेस क्वांटिटी इसलिए रिलेटिव डेंसिटी में कभी कोई यूनिट नहीं आएगी है ना अब फॉर्मूले वाइज हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से हम सॉलिड को कैलकुलेट करते हैं इनकी डेंसिटीज हम चेक करते हैं भाई बेसिक क्या हमारा मास के हिसाब से हम चेक करेंगे तो सॉलिड्स के लिए देखते हैं फॉर hmm. सॉलिड्स हम कैसे चेक करेंगे भाई फॉर सॉलिड्स हमारे पास एक फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी के लिए रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड इज डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू यहां पर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या है चलो देखें W1 वन इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर या मास ले लो बट सिंस g आएगा तो कैंसिल हो जाएगा तो बात वही पड़ेगी कॉन्सेप्चुअली तो मास लेना चाहिए बट हम वेट भी ले सकते हैं पर वेट ही लेंगे क्योंकि मास तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे वैक्यूम में ले जाओगे क्या हर बार नहीं ना इसीलिए मास लेते हैं सॉरी वेट लेते हैं और W2 टू इज वेट ऑफ बॉडी इन वाटर अब यहां देखो यानी कि पहले मैं बॉडी को एयर में वे करूंगा तराजू तो पे नॉर्मली वेटिंग वेइंग बैलेंस पे वे कर लूंगा उसके बाद मैं उसको पानी में डालूंगा और वे करूंगा स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू कितना वेट उसका आ रहा है है ना तो दो वेट्स आ जाएंगे एक एयर में एक वाटर में तो एयर वाला तो ऊपर एज इट इज लिख देंगे और नीचे वाला माइनस कर देंगे वाटर वाला ओरिजिनल में से तो यानी कि ये क्या है लॉस हो रहा है जो वे वेट डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू क्या हुआ लॉस ऑफ वेट लॉस ऑफ वेट किधर हवा में थोड़े हो गया इन वॉटर लॉस ऑफ वेट इन वॉटर ओरिजिनल वेट कितना था डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू वॉटर में आया वॉटर में ऑब्वियस सी बात है कम आएगा थोड़ा कम आएगा ना तो लॉस कितना बता दूंगा मैं ओरिजिनल में से कितना कम हो गया तो और कैसे दे सकता हूं रिलेटिव डेंसिटी भाई रिलेटिव डेंसिटी इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर इन एयर और लॉस ऑफ वेट इन वॉटर लॉस ऑफ वेट इन वॉटर इस तरह से मैं दे दूंगा उसको क्या दे दूंगा लिटिल इंस्टिट्यू ऑफ सॉलिडेज वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ड्यू इन वॉटर और जब इमर्श हो जाएगी तो उसमें एक वेट लॉस आएगा ना आएगा ही सही क्योंकि बाइंड फोर्स काम करेगा तो हल्का सा तो वेट कम आएगा और बाइंड फोर्स काम करेगा तभी तो वेट की बात करूंगा तो क्योंकि वेट भी क्या है फोर्स ही है एक समझे अब इसी को देखते हैं लिक्विड में किस तरह से काम होता है अब देखो लिक्विड के लिए बात करते हैं ना जब तो बात तो लिक्विड के लिए करेंगे बट विदाउट सॉलिड इज इट इट इज नॉट पॉसिबल तो मैं पहले सॉलिड का वेट लूंगा सॉलिड का वेट किस तरह से लूंगा भाई सॉलिड की सॉलिड के वेट लूंगा तो एक सॉलिड को मान लो मैं दो जगह वे करता हूं ठीक है एक सॉलिड को मैं दो जगह वे करता हूं पहला वेट करता हूं भाई एयर में रखूंगा एयर में एक मास आएगा सपोज एयर में एक वेट आएगा उस वेट को हम नाम दे देते हैं डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू तो कहाँ रहेगा एयर में और ये एक कोई लिक्विड है अब सिंस का बाइंड फोर्स थोड़ा अलग होगा वाटर से तो ये भी वेट को चेंज तो करेगा बट डिफरेंट चेंज करेगा तो इसको नाम दे दिया डब्ल्यू डबल डैश और फिर ये वाटर है मेरा वाटर में भी वे कर लूंगा और वाटर में वे कर लूंगा तो सिंस दोनों का बाइंड फोर्स अलग अलग है वो बाइंड फोर्स ऑफ लिक्विड इज डिफरेंट देन द बाइंड फोर्स ऑफ वाटर क्योंकि सबका बाइंड फोर्स अलग अलग है वो वो लिक्विड पे डिपेंड करता है बाइंड फोर्स कितना है सो बाइंड फोर्स विल विल कम कम आउट आउट टू टू बी बी डिफरेंट डिफरेंट सो वेट इन देन आई विल गिव रिलेटिव डेंसिटी एज वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड यानी कि जिस लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है ना रिलेटिव डेंसिटी उसकी बराबर लेनी पड़ेगी भाई ठीक है फिर लेंगे W यानी कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर फिर वाटर में जो वेट आया था उतना ही होता यानी कि या यहां क्या ले रहा हूं मैं यानी कि क्या ले रहा हूं मैं क्या वेट ऑफ बॉडी इन एयर वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड वेट ऑफ बॉडी इन वाटर इज डब्ल्यू डैश वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड इज डब्ल्यू डब्लू डैश और वेट ऑफ बॉडी इन एयर इज डब्ल्यू रिलेटिव डेंसिटी कैसे दूंगा वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वॉटर इनका रेशियो ले लूंगा मैं ले लूंगा ना तो मेरे पास क्या जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी अगेन डायमेंशन क्वांटिटी और यूनिटलेस क्वांटिटी आ गई रिलेटिव डेंसिटी इसको और कैसे लिख सकते हैं भाई लॉस ऑफ वेट इन लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वॉटर लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वॉटर इस तरह से ले लेंगे ना यार यही तो है सब सॉलिड में भी यही किया था तो बेसिकली काम हमारा यही है हम क्या कर रहे हैं सेम बॉडी को दोनों का रेशियो ले, ले लेंगे तो हमारे पास हमारी रिलेटिव डेंसिटी फॉर लिक्विड आ जाएगी और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही क्या है विद रिस्पेक्ट टू वॉटर एट फोर डिग्री सेल्सियस तो इसी तरह से हमारा काम हो जाएगा यहां पे तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी हो जाता है बट एक्चुअली में रिलेटिव डेंसिटी को काम चाहिए क्यों यूज करना क्यों है देखो ऐसा है रिलेटिव डेंसिटी जहां बात आ जाती है ना तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास यानी कि जितने टाइम्स मास बढ़ेगा उतने टाइम्स डेंसिटी भी बढ़ेगी उस ऑब्जेक्ट की या उस सब्सटेंस की अगर एल्यूमिनियम का मास सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर पर बात कर रहा हूं यहां पे वॉल्यूम दोनों का सेम है वाटर का और किसी भी ऑब्जेक्ट का तो सपोज अगर मैं आयरन ले लेता हूं आयरन का एक ब्लॉक ले लिया उसकी डेंसिटी वाटर से थोड़ी ज्यादा आएगी तो जितने टाइम ज्यादा आएगी उसकी रिलेटिव डेंसिटी उतनी आ जाएगी सपोज अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है टू पर देखो मेरे को एलुमिनियम की याद है तो अपन एल्यूमिनियम में बात करते हैं एल्यूमिनियम में बात करते हैं तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी है रिलेटिव डेंसिटी टेन पॉइंट फाइव दैट मीनस कि उसका मास सेम वॉल्यूम के लिए एक मीटर क्यूब का वॉल्यूम वाटर का ले रहा हूं और एक मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिकव किसका ले रहा हूं एल्यूमिनियम का ले रहा हूं तो एल्यूमिनियम का वेट टेन पॉइंट फाइव टाइम्स ज्यादा आएगा उसका मास टेन पॉइंट फाइव टाइम्स ज्यादा आएगा तो उसका मतलब क्या है उसकी डेंसिटी भी 10.5 पॉइंट फाइव टाइम्स ज्यादा आएगी आएगी ना बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास तो रिलेटिव डेंसिटी भी कंसेप्ट तो सेम ही डेंसिटी वाला ही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास उसकी डेंसिटी भी ज्यादा आएगी तो यानी कि अगर उसकी डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा आ रही है वाटर से तो वो फ्लोट नहीं करेगा अगर रिलेटिव डेंसिटी वाटर से कम आ रही है तो वो फ्लोट कर जाएगा यही बात है बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर इट विल इफ इट इट इज़ लेस विल फ्लोट समझ में आई बात चलो इसी पे आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे तो हमने आगे प्रिंसिपल में पढ़ लिया भैया उसके यूज में हमने देख लिया कि किस तरह से काम होता है कि रिलेटिव डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि बॉडी विल फ्लोट और सिंक बट लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी पढ़ना जरूरी है लॉ ऑफ फ्लोटेशन में जब बात करेंगे तो हम तीन केसेस की बात करते हैं जनरली कितने तीन पहला केस होता है पहला केस पार्शली इमर्स्ड। पार्शली इमर्स्ड दूसरा फ्लोटिंग ऑन द ब्रिम कौन सा है ये फ्लोटिंग ऑन द ब्रिम और ये है कंप्लीटली इमर्स्ड केस फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड समझ में आई केस फर्स्ट इज फ्लोटिंग पार्शली मस्ट एंड फ्लोटिंग अब इनसाइड इन साइड द ब्रेम जस्ट ब्रेम एंड कंप्लीटली यू तो फर्स्ट केस की बात करूं तो यहां क्या हो रहा होगा यार क्या हो क्या रहा होगा यहां बाइंड फोर्स लग रहा होगा लिक्विड से है ना और ऊपर से वेट लग रहा होगा बॉडी का तो बॉडी का वेट है अगर W बॉडी का वेट है W और लिक्विड से बाइंड फोर्स लग रहा है B तो बाइंड फोर्स जीत रहा होगा ना इसको ऐसे समझो कि वेट अलग राजा है और लिक्विड का बाइंड फोर्स एक अलग राजा है एंड दे बोथ आर ट्राइंग टू कॉन्कर ईच अदर टेरिटरीज तो पहला केस है कि जब उसने हमला कर दिया तो दूसरा वाला राजा ज्यादा ताकतवर था यानी कि पानी स्ट्रांग था भाई पानी का राजा स्ट्रांग था तो पानी के राजा ने उसके राजा को हरा दिया और वो ऊपर का ऊपर ही रह गया है ना तो वेट से वेट के राजा से पानी का राजा जीत गया पानी का राजा जीत गया तो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करेगा तो जस्ट फ्लोटिंग कंडीशन में आएगा पार्शली इमर्स्ड स्टेट में तो यानी कि क्या हो रहा है यहां पे ये राजा जीता है ना तो बाइंड फोर्स यानी कि पानी का राजा बाइंड फोर्स ज्यादा है बाइंड फोर्स ज्यादा है किससे वेट से वेट भी क्या है फोर्स ही है तो यानी कि ये ज्यादा है पर अगर मैं सेम वॉल्यूम में बात करूंगा सेम वॉल्यूम में बात करूंगा तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना पानी की तो सेम वॉल्यूम में बात करूंगा तो डेंसिटी ऑफ बॉडी चलूंगा मैं डेंसिटी ऑफ बॉडी चलो ले लेते हैं सिग्मा, इज लेस देन व्हाट, लेस देन पानी का पानी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी मान लो रो पानी की डेंसिटी रोह बॉडी की डेंसिटी सिग्मा तो यानी कि बॉडी की डेंसिटी कम है पानी की डेंसिटी से तभी तो फोर्स ज्यादा जीत पाया पानी का क्योंकि बाइंड फोर्स ज्यादा था बट अगर सेम वॉल्यूम बात करूंगा तो फिर डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी तो डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी तो राजा हार जाएगा वेट वाला तो यानी कि वेट का राजा कब हारेगा जब पानी का राजा जीतेगा यानी कि बाइंड फोर्स जीत गया तो वो अपटू द ब्रेम फ्लोट करेगा क्यों क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है समझ में सेकंड केस दोनों का पराक्रम बराबर है सेकंड केस में दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो दोनों एक टाइम पे थक गए दोनों ही थक गए एक टाइम पे ना कोई हारा ना कोई जीता पानी भी पानी में वेट भी ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है और ना ही वो उसको पूरी तरह से ऊपर निकाल पा रहा है ना ही वो पूरी तरह से अंदर डूब पा रहा है तो क्या हो रहा है इट इज फ्लोटिंग एट द ब्रेन इन दिस केस दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है यानी कि दोनों फोर्सेस बराबर काम कर रहे हैं और यहां पे डेंसिटी की भी बात करूंगा तो दोनों की डेंसिटी भी बराबर आ जानी चाहिए लॉजिक से लॉजिकली ये चीज बैठ रही है ना अब तो अब यहां क्या हो पानी के राजा ने जब हार मान ली वो राजा जीत गया वेट राजा जीत गया तो वेट जब जीत गया तो भाई वेट जीत गया तो वेट ज्यादा हो गया बाइंड फोर्स से उसने बाइंड फोर्स को हरा दिया और पानी पे कब्जा कर लिया तो यानी कि यहां क्या हुआ होगा इसकी डेंसिटी इस बार ज्यादा हो गई पानी की डेंसिटी इसके सामने कम रह गई तो वाटर फ्लोट कब कर रहा है वेन बाइंड फोर्स विल वेन वॉटर विल फ्लोट या सिर्फ जब बाइंड फोर्स ज्यादा होगा वॉटर वाटर पे बॉडी ऊपर ऊपर फ्लोट करेगी लेकिन जब बाइंड फोर्स कम हो जाएगा तो बॉडी डूब जाएगी तो ये आई है लॉ ऑफ फ्लोटेशन दैट वेट ऑफ बॉडी और वेट ऑफ बाइंड फोर्स के बीच में बात करेंगे तो जब भी बाइंड फोर्स ज्यादा होगा बॉडी विल फ्लोट एट दि पार्शली इमर्स्ड पार्शली इमर्स्ड बॉडी फ्लोट करेगी फर्स्ट केस अगर बराबर हो गया तो पे इमर्स्ड हो जाएगी पूरी पर पर रहेगी और अगर जीत गया वेट तो डूब जाएगी सिंपल सी बात है आगे बढ़ते हैं यार यूज देख लेते हैं एक बार इस लॉ फ्लोटेशन और लॉफलोटेशन प्रिंसिपल के बड़े यूजेस ठीक इस है कैसे यूजेस बड़े यूजेस इक्विब्रियम वाला केस इसको क्या कहते हैं इक्विलीब्रियम यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए ना इसलिए इक्विब्रियम वाला केस हो गया कौन सा केस टू तु तुम्हारा यानी कि जो केस था कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द बाइंड फोर्स ऑफ द बॉडी अब यार यहां पे बात करते हैं कि जब बॉडी फ्लोट करेगी वेन वी विल इमर्स सॉलिड बॉडी इन वॉटर देन इट विल डिस्प्लेस सम वॉटर दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होगी दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट होगा सेम वेट के लिए देखो यार अगर एक सॉलिड है उसका वॉल्यूम है वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मान लो उसकी डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और वाटर है जिसका वॉल्यूम ऑफ वाटर मान लो और उसकी डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर मान लो तो अगर सेम वेट डिस्प्लेस हो रहा है तो डेफिनेटली एक बात तो है कि सॉलिड और वाटर की डेंसिटी सेम नहीं होगी बट डेंसिटी सेम नहीं होगी बट अगर सेम वेट डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड और द बॉडी इमर्स्ड इन वाटर यानी कि बॉडी जितनी इमर्स हो गई उतना उसका वेट आ गया है ना अब यानी कि जितना वेट इसमें हो रहा है ना सो तो यार यानी कि अगर डेंसिटी डिफरेंट हो तो वॉल्यूम भी डिफरेंट होना चाहिए तो यहां पर हम इनके बीच का रिलेशन देखते हैं तो यानी कि वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड तो यानी कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है तो वेट ऑफ सॉलिड कितना होगा भाई मास इनटू टू ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और मास ऑफ वाटर और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम रहेगा तो यानी कि मैं बस मास मास में बात कर लू बट मास ऑफ़ सॉलिड क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर वाटर लिया है वाटर ले लेते हैं यार वॉल्यूम ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो ये रिलेशन आ जाता है हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में जब बॉडी को हम इमर्स कर रहे हैं यानी कि जब हम बॉडी को इमर्स कर रहे हैं तो अब हमारे पास क्या रिलेशन आ जाता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड समझ में आई बात समझ में आई लिक्विड की बात होगी तो लिक्विड का ले लेंगे काम वही होगा तो यानी कि अगर मैं इधर सॉलिड का ऊपर ले रहा हूं तो इधर वॉल्यूम में सॉलिड को नीचे लूंगा समझ में आई ना या तो तुम सीधे याद रखो मास सॉलिड मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ वॉटर डिसप्लेसड फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर और फिर उस तरह से दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाता है एक रिलेशन आ जाता है छोटा सा कोई बड़ी बात नहीं इस बड़ी बड़ी है इससे बड़े बड़े तुमने सॉल्व किए हैं चलो आगे देखते हैं हम्म तो अब हम आगे बात करते हैं देखो एप्लीकेशन ऑफ आर्कमिडीज प्रिंसिपल की इसकी एप्लीकेशन ऑफ आर्कमिडीज प्रिंसिपल की तो इनका बेसिक यूज आता है भाई शिप्स और सबमरीन्स को डिजाइन करने में किस चीज को डिजाइनिंग शिप्स एंड डिजाइनिंग सबमरीन्स किस तरह से चलो देखते हैं कि अब तुम बोलोगे क्या सर इतना बड़ा शिप पानी पे कैसे तैर सकता है हाउ कैन यू शिप फ्लोट ऑन वॉटर एफ शिप इज मेड ऑफ आयरन एंड आयरन डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेट ऑफ वॉटर सो माई डियर हम यहां पे बात करते हैं डेंसिटी की तो डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम माना माना आयरन की डेंसिटी वाटर से कई ज्यादा होती है तो उसकी रिलेटिव तो करते हैं दिमाग लगाते हैं वॉल्यूम शिप तो शिप है उसका बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं क्या कर देते हैं वॉल्यूम उसका बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ गया और बीच में क्या रहती है भाई हवा वगैरह ही तो रहती है एम्प्टी स्पेस कितनी रहती है शिप में लोगों के खड़े रहने के लिए जगह वगैरह चीजें होती है ना एमटी स्पेस बहुत ज्यादा रहती है शिप में तो एम स्पेस में क्या होती है एयर और एयर की डेंसिटी तो वाटर से काफी कम होती है तो अगर अब अग शिप पे आयरन 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 के बीचों में एम स्पेस है उस एमटी स्पेस में हवा है तो एवरेज डेंसिटी जो है शिप की यानी कि टोटल मास ऑफ शिप अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ शिप तो एवरेज डेंसिटी आएगी वो वाटर से काफी कम रह जाती है समझे वो वाटर से काफी कम रह जाती है डेट्सा शिप कैन फ्लोट इन वाटर और फ्लोट ऑन वाटर. सिमिलर केस है सबमरीन में सबमरीन में हम क्या करते हैं काम यही है काम यही है बट सबमरीन में देखो सबमरीन में होते हैं बायोन्सी टैंक्स क्या है ये? बायोन्सी टैंक्स है सबमरीन में इनमें होती है एयर एयर होती है इनमें अब इनमें एयर होती है तो एवरेज डेंसिटी सबमरीन की फिर से कम हो जाती है अब भाई एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है ठीक है एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है और ये बायोसी टैंक्स में हवा भी रहती है तो जैसे ही अगर मुझे बायोसी बढ़ा कम करनी है या फिर डेंसिटी ऑफ शिप बढ़ानी है लॉ फ्लोटेशन का यूज करते हुए मेन में पानी भरना शुरू कर देते हैं भाई मैकेनिज्म से वॉल्व इनमें पानी भर लेंगे तो जितना पानी भरेंगे उस हिसाब से बायसी कम होती जाएगी और बायसी टैंक्स कम हो जाएंगे कम हो जाएंगे और वेट बढ़ जाएगा तो बॉडी एवरेज डेंसिटी बढ़ जाएगी और वो नीचे जाती जाएगी उतनी और जैसे ही अगर ऊपर लानी है तो इनको कंप्रेस करके बाहर निकाल देंगे पानी फिर हवा आ जाएगी एवरेज डेंसिटी फिर से कम हो जाएगी और सबमरीन ऊपर आ जाती है सिंपल सा लॉजिक है और ये और यहाँ पे इसकी थ्योरी खत्म हो जाती है अब हम आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की या क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं क्या लेते हैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोला कैन है पहला सा एग्जाम्पल है भाई कि एक सील्ड कैन है कोला का जिसका वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब। कोला का मास कितना है सील्ड कैन का मास है 400 ग्राम कितना मास है का 400 ग्राम और उसका वॉल्यूम कितना है बोलो 300 सेंटीमीटर क्यूब क्या है सेंटीमीटर क्यूब तो मुझे निकालनी है इस कोला बोतल की क्या डेंसिटी निकाल लूंगा तो डेंसिटी ऑफ कोला बोतल क्या आएगी मास अपॉन वॉल्यूम मास कितना भाई 400 ग्राम वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन तो, तो, तो तुम दस बार कर लोगे मास ऑफ कोला बोटल इज 400 ग्राम्स ग्राम एंड वॉल्यूम इज 300 सेंटीमीटर क्यूब तो डेंसिटी मास ऑफ ऑन वॉल्यूम सिंपल सी बात है भाई 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी आ जाएगी फिर आगे बढ़ जाएंगे हम देखते हैं यार आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं भाई देखो कि डेंसिटी ऑफ वाटर तो मैंने बताई दी थी तुम्हें यार डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी थी वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब कैलकुलेशन तुम कन्वर्जन तुम कर लोगे सेंट ग्राम को किलो में और सेंटीमीटर्स को मीटर्स में तुम कर लोगे अच्छे से ठीक है तो मेरे पास दे रखी है डेंसिटी ऑफ वाटर और फिर दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी है 7.874 पता है मुझे तो अब मैं इससे डेंसिटी ऑफ आयरन निकाल सकता हूं कि नहीं देखता हूं यार एक फॉर्मूला है मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी क्या थी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि यहां आयरन की बात हो रही है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस यानी कि वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो डाल दो यार डेंसिटी ऑफ आयरन आ जाएगी वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी मुझे पता है सेवन पॉइंट एट सेवन फोर सेवन पॉइंट एट सेवन फोर तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज सेवन पॉइंट एट सेवन फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अब अगर मुझे इसको के पर मीटर क्यूब में करना है तो वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज थाउजेंड के पर मीटर क्यूब <coughs> तो कर दो भाई थाउजेंड के जी मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई <coughs> सेवन पॉइंट एट सेवन फोर सॉरी थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब इज डेंसिटी ऑफ आयरन कितना आ जाएगा सेवन एट सेवन फोर के पर मीटर क्यूब इज डेंसिटी ऑफ आयरन आ गई समझ में क्या किया मैंने रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है वही किसी भी चीज की डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या थाउजेंड के पर मीटर क्यूब उससे मल्टीप्लाई कर दिया उसकी रिलेटिव डेंसिटी को तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगी और ये याद भी रख लो क्या आयरन की डेंसिटी होती है 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 7.874 केजी पर मीटर क्यूब यह आगे भी काम आएगी अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक सील्ड कैन है फिर से एक कैन है जिसका मास है 600 ग्राम्स कितना है मास 600 ग्राम्स और उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब एक कहने जिसका मास है 600 हंड्रेड ग्राम और वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब तो अब मुझे बताना है कि बॉडी फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी वाटर में तो अब यहां देखो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना और किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालता हूं मैं रिलेटिव डेंसिटी और कैसे निकालता हूँ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है वन होती है तो यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी आती है वो ऑलमोस्ट क्या आती है सब्सटेंस की ही डेंसिटी आती है और मेरे को एक और चीज पता है कि रिलेटिव डेंसिटी शुड बी लेस देन वन देन द बॉडी विल फ्लोट रिलेटिव डेंसिटी जो है इट शुड बी लेस देन वन देन द बॉडी विल फ्लोट बॉडी फ्लोट्स वेन रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सॉरी रिलेटिव डेंसिटी तो वन से कम हो यानी कि बॉडी की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होनी चाहिए जो कि वुड की होती है ऑयल की होती है एयर की होती है बट अब मुझे यहां पे चेक करना है यार कि क्या इसकी डेंसिटी वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है तभी इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी वन से कम आ पाएगी तभी ये फ्लोट करेगा देखो यार कैसे होता है फिर डेंसिटी कैसे निकालोगे मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी हमने इतनी बार निकाल लिया मास 600 वॉल्यूम 500 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब आ गया भाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया वन पॉइंट टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया तो डेंसिटी इस चीज की ज्यादा आ गई वही वाटर से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि यहां पे जो कोला कैन था हमारा density of substance is greater than density of water therefore body will sink body sinks body will sink तो so, यानी कि इसके सॉल्ड एग्जांपल जो है ना वो है यार इसी तरह के होते हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी मास वॉल्यूम इनमें ही हम उलझना है हमें और ये चीजें तो आराम से कैलकुलेट हो जाती हैं आगे बढ़ते हैं एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में किस तरह के क्वेश्चंस हैं तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है ना कि एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स हैं और जो बोर्ड में पूछे हुए सवाल है ना ऑलमोस्ट सेम है तो हम एक बार उनके बारे में बात कर ही लेते हैं कि इफ बाय इज हार्ड टू कैरी अ स्कूल बैग ऑफ अ स्ट्रैप देन अ ब्रॉडर वन बताओ क्यों या बताओ क्यों सोचो सोचो स्ट्रैप अगर थिन होगा तो प्रेशर क्या होता है भाई फोर्स पर यूनिट एरिया तो यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तो अगर थिन स्ट्रैप है तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा ना कम एरिया होगा उसका और अगर स्ट्रैप ब्रॉड है तो ब्रॉड स्ट्रैप ज्यादा एरिया लगा पाएगा उसका प्रेशर सॉरी ब्रॉड स्ट्रैप में कम प्रेशर लगेगा उसका प्रेशर कम होगा इसीलिए थिन स्ट्रैप वाले स्कूल बैग में कंधा दुखेगा ब्रॉडर में लेट दुखेगा ज्यादा देर तक हम प्रेशर उठा सकते हैं क्योंकि प्रेशर कम लगेगा समझ में आई बात यही बात हो रही है बस बेसिकली एनसीआईटी प्रॉब्लम और बोर्ड प्रॉब्लम की जो कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है अगला क्वेश्चन एक होता है बेसिक सा जनरल सा डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो तुम यार बता दोगे ही लॉ ऑफ फ्लोटेशन वेफ वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द बाइंड फोर्स इट विल सिंक इफ इट इज लेस देन द बाइंड फोर्स इट विल फ्लोट एंड इफ इट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स इज विल फ्लोट ऑन द ब्रेन और फिर ये वाला डायग्राम तुम बना दोगे यार ये वाला डायग्राम बना दोगे और मार्किंग्स इसमें कर दोगे फिर एक क्वेश्चन होता है जो जनरली पूछा जाता है स्टेट आर्कमिडीज प्रिंसिपल एंड इट्स यूजेस आर्कमिडीज प्रिंसिपल कर दोगे स्टेट दैट इफ अ बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर देन द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर सॉरी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ सब्सटेंस लिख दोगे और आर्कोमी प्रिंसिपल की वर्क और फिर अगर एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा या एक्सपेरिमेंट पूछ ले तो एक्सपेरिमेंट में वो वाला डायग्राम बना ही दोगे यहां से ऐसे वाला बना दोगे नहीं वाला डायग्राम तो बस यही करना है नाउ अब एक सवाल आता है कि इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ शिप इज मेड ऑफ आयरन इफ आयरन रिलेटिव एवरेज डेंसिटी क्योंकि हम उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो एवरेज डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है इट कैन फ्लोट हो जाती है एक होता है भाई डिफाइन थ्रस्ट डिफाइन थ्रस्ट तो थ्रस्ट यानी कि थ्रस्ट यानी कि एक नॉर्मल सा फोर्स फोर्स यानी फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर कर दो भाई न्यूटन ऐसा तो ऐसे तो ही से क्वेश्चन आते हैं जनरली और इनको हम आराम से कर सकते हैं तो जो थ्योरी में पढ़ा दिया ना जनरली वही चीजें इनमें पूछी जाती हैं तो एक ओलम्पियाड का क्वेश्चन है कि वॉट कि डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी सॉरी डेंसिटी की बात करते हैं डेंसिटी ऑफ अ मेटल ब्लॉक इज़ पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो इट फ्लोट और विलेट सिंक बता दो यार सब्सटेंस की डेंसिटी अब बताओ अभी हमने पढ़ा बेसिक सा कंसेप्ट है सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से तो डेट वायट्स वायक इट विल सिंक इट विल सिंक बिकॉज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस शुड ऑलवेज बी लेस देन वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर इट टू फ्लो या फिर रिलेटिव डेंसिटी की टर्म्स में बात करूं तो इट शुड बी लेस देन वन फॉर इट टू बी फ्लोइंग समझ में आई बात इट टू बी फ्लोइंग इट शुड बी लेस देन वन तब जाके तो बॉडी फ्लोट करेगी आगे देखते हैं यार हम्म फिर एक क्वेश्चन ऑन वॉट बाइंड ऑन बाइंड फोर्स भी डिपेंड्स ऑन वॉट बताओ यार डिपेंड्स ऑन लिक्विड पे लिक्विड पे करता है बट लिक्विड के किस चीज पे डिपेंड्स ऑन लिक्विड्स लिक्विड्स के किस पे भाई लिक्विड के किस पे कलर पे है लिक्विड के डेंसिटी पे या लिक्विड के वॉल्यूम पे बताओ हमने क्या बोला था जो लाइटर होगा डेंसिटी में जो लाइटर होगा वो ऊपर आ जाएगा पानी के और जो हैवियर होगा वाटर से वो नीचे चल जाएगा और बट जहां पर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में लिक्विड से लाइटर चीज उसके ऊपर रहेगी और लिक्विड से हैवी चीज नीचे चली जाएगी तो यहां पे बात कर रहे थे तो किसकी बात कर रहे थे कलर लिक्विड से कोई फर्क पड़ेगा क्या पानी में इंक डाल के देख लो भाई क्या पता फ्लोट करे ना करे है ना क्या उससे फर्क पड़ रहा है क्या कुछ पड़ता है क्या नहीं ना डेंसिटी से पड़ता है भाई डेंसिटी से बाइंड फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी से फर्क पड़ता है देखा था ना हमने बाइंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड की ज़्यादा वो दे पाएगा हमें। तो ये बेसिक से questions थे थे जो तुम्हारे आए सारे ये सारे क्वेश्चन आए थे एनटीएससी में तो एन में भी तुम देख सकते हो कंसेप्चुअली कितने आते हैं, है ना? और यही बेसिक से कंसेप्ट इस चैप्टर में कोई ज्यादा टफ नहीं है चीजें चीजें ज्यादा टफ नहीं हैं हम इनको समझ चुके हैं और अब बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना और बस मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में ठीक है चलो बाय